फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं मेमोरी को, याददाश्त को। पहले तो एज ऑफ द लर्नर, यंगस्टर कैन रिमेम्बर बेटर देन द एज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो यंग है वो ज़्यादा याद रख सकते हैं। गुड हेल्थ, ए पर्सन विद गुड हेल्थ कैन रिटेन बेटर, जो याद किया उसे ज़्यादा टाइम तक तो वो रख सकता है, जो पुअर हेल्थ है उसके कंपेरिजन में। मैच्योर पर्सन कैन रिटेन बेटर, डेफिनेटली अगर मैच्योर है तो वो ज़्यादा अच्छे से कंसेंट कर सकता है और फिर ज़्यादा ढंग से उसे रिटेन कर सकता है, रख सकता है। एबिलिटी टू रिटेन डिपेंड ऑन द गुड मेमोरी ट्रेसेस लेफ्ट इन द ब्रेन बाय पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट में आप एक्सपीरियंस से गुजर चुके हो तो वो मेमोरी कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती है। तो ये है एबिलिटी टू रिटेन, कभी कुछ हुआ था वो याद रह गया और फिर दोबारा वो कुछ ऐसा हुआ तो फिर याद आ गया। इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट मोर रिटेंशन, अगर इंटरेस्टेड हो आप उस चीज़ में करने में तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। विल टू रिमेंबर, इच्छा है कि नहीं है। विलिंगनेस टू रिमेंबर हेल्प फॉर बेटर रिटेंशन, इच्छा है तो ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ याद रहेंगी। मीनिंगफुलनेस ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का कोई मतलब है, बिना किसी बात के नहीं है, सिर के ऊपर से नहीं जा रहा है तो याद रहेगा वो ज़्यादा टाइम के लिए। इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंट पर्सन विल हैव बेटर मेमोरी, इंटेलिजेंट तो ज़्यादा याद रखोगे ही, ज़्यादा मेमोरी होगी। क्विकर स्पीड ऑफ लर्निंग में, जो जल्दी क्विकर लर्नर है लेट्स टू बेटर रिटेंशन, स्पीड में जो काम करते हैं ना वो ज़्यादा रिटेन भी कर सकते हैं। ओवर लर्निंग का मतलब ये कि आप उसे रिपीट करते जा रहे हो, रिपीट करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर लर्निंग स्ट्रेंथन कनेक्शन इन द ब्रेन एंड हेल्प्स क्लियर मेमोरी। रेस्ट लर्निंग सीखने के बाद अगर थोड़ी रेस्ट ले लिया जाए तो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक रह सकती हैं दिमाग में।